हेलो, वेलकम बैक अगेन टू एडीबीसी आर्किटेक्ट। और आज फिर से आपके लिए मैं कोर न्यू हाउस प्लान लेके आए। इसके फ्रंट की बात करते हैं तो फ्रंट रहेगा इसमें 30 फिट, 30 फिट इसका फ्रंट रहेगा, सही। और इसकी जो गहराई है, जो इसकी डेप्थ है, वो है 50 फिट। तो 30 बाई 50, 30 बाई 50 का ये प्लॉट है। इसमें कोई रेंज वगैरह नहीं है, ये कंप्लीटली एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, सही है। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट है, पहले मैं आपको वो शेयर करूंगा, सेकेंडली आपको इसकी डिटेलिंग, और थर्ड में आपको इसका वेंटिलेशन, ठीक है। इन तीन स्टेप में इसे कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। फ्रंट में इसमें आपको मिलेगा एक लॉन और एक मिलेगा इसमें पोर्च। से आगे चले तो एक मिलेगा आपको इसमें स्टेयरकेस, एक बाथरूम, एक WC और एक ड्राइंग रूम। और इससे आगे चले तो एक लॉबी, एक किचन, एक OTS, एक पूजा रूम और दो आएंगे इसमें बेडरूम, फर्स्ट सेकंड, और उनके साथ अटैच टॉयलेट और प्लस स्टोर। ये तो है इसकी रिक्वायरमेंट। अब इसको किस तरीके से फुलफिल किया है, इसके साइज क्या क्या है, वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले मेन गेट की बात करेंगे। राइट साइड में इसमें जो है आपको 11 फिट का मेन गेट मिल जाएगा, ठीक है। यहां से मेन गेट के थ्रू इसमें एंट्रेंस होगा, सही है। और लेफ्ट साइड में आपको मिल जाएगा इसमें लॉन, 17.5 बाई 8 फीट का इसमें लॉन यूज होगा। यहां तक क्लियर है। देन मेन एंट्रेंस के बाद आपको जो है इसमें पोर्च मिल जाता है, 11.15 फीट का इसमें आपको पोर्च मिल जाता है। अब उससे आगे चले, पोर्च के बाद आपको जो है स्टेयरकेस आ जाती है, जो एल शेप में हमारी स्टेयरकेसेस है। एल शेप में हमारी स्टेयरकेसेस बाहर से मिल जाएंगी, जो कि रेंट पे जो भी अगर हम ऊपर का फर्स्ट फ्लोर देते हैं तो उसके लिए काफी बेनिफिट होगा। बाहर से ही जो है स्टेयरकेस वो रेंट के लिए ऊपर चल जाएगी और अंदर की जो फैमिली है ग्राउंड फ्लोर की, उसको कोई भी है डिस्टर्बेंस नहीं होगा, सही है। और पोर्ट से ही हमारा जो है WC आ जाता है। WC का जो साइज है वो 4 बाई 3 फीट है, सही है। देन अब जो है हम इसका मेन डोर की बात करेंगे। तो इसका जो मेन डोर है, पोर्ट से आगे चले तो यहां पर इसका हमारा मेन डोर आ जाएगा, ठीक है। और अब जो है हम इसमें से लोबी की जो है बात करेंगे। तो मेन डोर से जैसे आप एंट्रेंस लेते हैं तो आपको मेन लोबी मिल जाती है, और इस मेन लोबी का जो साइज है वो अप्रोक्स 12 बाई 13 फीट है। तो ये लोबी हो गई है। देन इस लोबी से कनेक्ट है हमारा टॉयलेट, 2.5 फीट का इसमें डोर आ जाएगा। देन 4 बाई 7 फीट की टॉयलेट रहेगी, ठीक है। और इसी लोबी से एक डोर और आएगा ड्राइंग रूम के लिए। और इस ड्राइंग रूम का जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो यू शेप में रहेगा, लाइक दिस। और राइट वाली वॉल पर हमारा LCD यूनिट है। और इसी ड्राइंग रूम में एक और डोर जो है बाहर की तरफ खुलेगा, क्योंकि ड्राइंग रूम में हमें दो ही डोर की जरूरत होती है, एक जिससे गेस्ट ड्राइंग रूम में आएंगे और दूसरा डोर जिससे आप गेस्ट या आप ड्राइंग रूम में जाएंगे, ठीक है। अब लोबी से ही एक दिया है ये, इसको ब्लू कलर का मार्क करेंगे, OTS ओपन टू स्काई, ये वेंटिलेशन के लिए यूज होगा, इसकी डिटेल मैं आपको आगे बताऊंगा। एंड लोबी से ही आपको जो है पूजा रूम मिल जाता है। पूजा रूम का जो साइज है वो 5 बाई 7.5 फीट है, ठीक है ना। अब इसी लोबी से एक जो है आपको मिली ओपन किचन। इस ओपन किचन के साइज की बात करें तो 11 बाई 9.5 फिट इस ओपन किचन का साइज है। और यू शेप में फ्रंट वॉल, राइट वॉल और अपर वॉल,
यू शेप में इसमें जो है स्लैब रहेगा किचन में, सही है। और इसकी जो वेंटिलेशन है वो सब बाद में बताएंगे आपको। ये हमारे दो इसमें बेडरूम्स रह गए हैं, एक बेडरूम का डोर हमारा यहाँ से आ जाएगा, और ये हमारा रेक्टेंगुलर बेडरूम है। इसका जो साइज है वो 15x10 फिट है। बेडरूम की पोजिशन हमारी फ्रंट वॉल पर रहेगी और बैक वॉल पर एलसीडी यूनिट आ जाएगी, याद रख क्लियर। देन इसी बेडरूम से जो है आपको एक और डोर मिलेगा टॉयलेट के लिए। इस टॉयलेट का साइज 8x5 फिट रहेगा, याद रख ठीक है। और इसी बेडरूम से एक डोर और आएगा जो आपको जो है पीछे के ओपन स्पेस में ले जाएगा। पीछे का जो ओपन स्पेस है वो हम ज़्यादातर वेंटिलेशन के लिए, वॉशिंग एरिया के लिए और प्लांटेशन के लिए यूज करते हैं, यहाँ तक सही है। अब जिस तरीके से ये वाला बेडरूम था राइट वाला, ऐसे ही लेफ्ट वाले में है। सबसे पहले डोर आ जाएगा, देन ये हमारा बेडरूम, लेफ्ट वाले वॉल पर बेड और राइट पर एलसीडी टेबल। 13x10 फिट का है बेडरूम, और लेफ्ट कॉर्नर में 2.5 फिट का एक स्टोर के लिए डोर, और स्टोर का जो साइज है वो 6x5 फिट वही है, ठीक है। और एक डोर ओपन स्पेस के लिए, वॉशिंग एरिया भी हम इसमें यूज कर सकते हैं ओपन स्पेस में, ठीक है। तो ये हो गई है इसका अरेंजमेंट्स और साइजेस। अब बात करेंगे इसके वेंटिलेशन की, शुरू करते हैं। इसका कलर ले लेते हैं ब्लू। सबसे पहले ड्राइंग रूम की विंडो ये यहाँ पे यूज होगी और इसका वेंटिलेशन फ्रंट से हो जाएगा, क्लियर है। WC का वेंटिलेटर यहाँ पे लगेगा फ्रंट में, और वेंटिलेशन भी फ्रंट वॉल से होगा, ये भी क्लियर है। इस बाथरूम का वेंटिलेटर यहाँ पे आएगा और पोर्ट से इसका वेंटिलेशन होगा, ये भी क्लियर है। अब लोबी में जो है हमने ओपन स्पेस OTS दे रखा है। इसका बेनिफिट सबसे पहले पूजे का वेंटिलेशन हो जाएगा, सही है। और दूसरा जो है इसमें लोबी का भी वेंटिलेशन इसी OTS से हो जाएगा। यहाँ पर भी आप चाहें तो वॉशिंग एरिया बना सकते हैं, आप यहाँ पे वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, ठीक है। और बाकी किचन की बात करें तो किचन में ये वहां पर विंडो आ जाएगी लेफ्ट कॉर्नर में, और इसका वेंटिलेशन भी पोर्च एरिया से हम कर सकते हैं। और बेडरूम और टॉयलेट की बात करें, टॉयलेट में यहाँ पर वेंटिलेटर विंडो इस बेडरूम की यहाँ पर, लेफ्ट बेडरूम की ये आ जाएगी, और स्टोर में चाहें तो यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। और इन चारों के लिए ही कॉमन एरिया ये, सही है। टॉयलेट का, बेडरूम दोनों और स्टोर, इसी से ही इसका वेंटिलेशन हो जाएगा ओपन स्पेस। वेंटिलेशन का इसमें कोई मसला नहीं है, ये हो गया है क्लियर। अब अगर आपका प्लॉट साइज अप्रोक्स यही है 30x50, तो आप इसे रेफरेंस लीजिए। आप देखिए कि 2 बेडरूम सेट आ रहे हैं, उनके साथ अटैच टॉयलेट है, स्टोर है, किचन है, सभी ये जो है स्पेसेस हैं। और अगर आपकी रिक्वायरमेंट या प्लॉट साइज डिफरेंट है तो आप हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उन पे व्हाट्सएप पे या कॉल के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और आप अपने लिए डिजाइनिंग और प्लानिंग करवा सकते हैं।